CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मेले की सैर। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं क्रिस्टोफर सिंह। बच्चों, आज हम तुम्हें मिलवाएंगे तुम्हारे दो छोटे दोस्तों से और एक बड़े दोस्त से। तुम सोचोगे छोटे दोस्त कौन हैं और बड़े दोस्त कौन हैं? तो छोटे-छोटे दोस्त तो हैं तोता और चूहिया, और बड़ा दोस्त है गधा। सभी जानवर और पक्षी हम सभी के दोस्त होते हैं, है ना? तो आज तुम इन तीनों का एक गीत गाओगे। अरे तुम तो घबरा गए। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे साथ ये गीत गाएंगी मधु दीदी। और हां, ये सिर्फ गीत ही नहीं है, ये गीत भी है और खेल भी। तो मधु दीदी, अब तुम्हें गधे, तोते और चूहिया का ये गीत सिखाएंगी। बच्चों, आज हम आपको एक तोते, गधे और चूहिया का खेल कराएंगे और उसके साथ-साथ उसका आपको एक गाना भी सुनाएंगे। आप सब ने तोता देखा है ना? हां जी। कैसे रंग का होता है तोता? हरे। और चोंच कैसी होती है उसकी? लाल। शाबाश। और तोता उड़ता कैसे है? पंखों से उड़ता है ना? कैसी आवाज आती है उड़ने में? हां। और गधा भी देखा होगा आपने? जी। कैसे बोलता है गधा? डैचू डैचू डैचू। शाबाश। और चूहा और चूहा देखा है? हां। देखा है ना? चूहा नहीं देखी। चूहा नहीं देखी। तो आज हम लोग अभी एक गाना शुरू करेंगे, हैं? उसमें तोता है, गधा है और चूहा है। पहले एक बार मैं गाऊंगी और पीछे-पीछे उसके आप सब लोग गाएंगे, और जो रेडियो में सुनने वाले बच्चे हैं वो भी मेरे पीछे-पीछे गाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हरे नीम की डाल पर, 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 तीन तोते थे, तीनों सोते थे, तीनों सोते थे, फिर एक पटाका छूटा, फिर एक पटाका छूटा, फिर एक पटाका छूटा, फिर एक पटाका छूटा, जैसे कोई बर्तन टूटा, जैसे कोई बर्तन टूटा, जैसे कोई बर्तन टूटा, जैसे कोई बर्तन टूटा, डर गए तीनों तोते, डर गए तीनों तोते, डाल को अपनी छोड़-छोड़ कर, डाल को अपनी छोड़-छोड़ कर, भागे तीनों तोते, भागे तीनों तोते, डाल को अपनी छोड़-छोड़ कर, डाल को अपनी छोड़-छोड़ कर, उड़ गए तीनों तोते, उड़ गए तीनों तोते, पहला तोता फुर्र, पहला तोता फुर्र, दूसरा तोता दो बार फुर्र फुर्र, हां, दूसरा तोता फुर्र फुर्र, तीसरा तोता फुर्र फुर्र फुर्र। शाबाश। अब हम लोग गधे का गाना करेंगे। आम के पेड़ के नीचे, 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 तीन गधे थे, तीन गधे थे, तीन गधे थे, तीन गधे थे, तीनों बंधे थे, तीनों बंधे थे, फिर एक पटाका छूटा,
जैसे कोई बर्तन टूटा, जैसे कोई बर्तन टूटा। डर गए तीनों गधे, डर गए तीनों गधे, डर गए तीनों गधे, डर गए तीनों गधे। खूंटी अपनी तोड़ तोड़ कर, खूंटी अपनी तोड़ तोड़ कर, भागे तीनों गधे, भागे तीनों गधे। खूंटी अपनी तोड़ तोड़ कर, खूंटी अपनी तोड़ तोड़ कर, भागे तीनों गधे, भागे तीनों गधे। पहला गधा ढेंचू, पहला गधा ढेंचू। दूसरा गधा ढेंचू ढेंचू, दो बार। दूसरा गधा ढेंचू ढेंचू, तीसरा गधा ढेंचू ढेंचू ढेंचू। शाबाश, तीन बार, तीसरे गधे में तीन बार। पहला गधा ढेंचू, दूसरा गधा ढेंचू ढेंचू, तीसरा गधा ढेंचू ढेंचू ढेंचू। शाबाश, अब हम लोग चूहे का गाना भी कर लें। खरबूजे के खेत में, खरबूजे के खेत में, तीन चूहिया थी, तीन चूहिया थी। खरबूजे के खेत में, खरबूजे के खेत में, तीन चूहिया थी, तीन चूहिया थी। दो कलमुहिया थी, दो कलमुहिया थी। फिर एक पटाका छूटा, फिर एक पटाका छूटा, जैसे कोई बर्तन टूटा, जैसे कोई बर्तन टूटा। डर गई तीनों चूहिया, डर गई तीनों चूहिया। पहली चूहिया ये भागी, पहली चूहिया ये भागी। दूसरी चूहिया वो भागी, दूसरी चूहिया वो भागी। तीसरी से भागा न गया, तीसरी से भागा न गया। बेचारी तीसरी चूहिया, बेचारी तीसरी चूहिया। बच्चों, गीत तो तुमने सीख लिया और तुम्हें बहुत पसंद भी आया होगा। अब हम तुम्हें सुनवा रहे हैं एक कहानी। ये कहानी है सावन के मेले की। बहुत से मेले होते हैं ना, और तुमको उन सभी मेलों में जाना अच्छा लगता है। तुम्हारी तरह ही दो छोटे बच्चे थे, अजय और विजय। आज हम तुम्हें अजय और विजय की कहानी सुनाएंगे। अजय और विजय ने दरवाजे से अम्मा को आवाज देकर पूछा, अम्मा अम्मा, सब बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, हम भी चले जाएं? अम्मा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, बच्चे मेले में अकेले नहीं जाते हैं। अजय और विजय उदास होकर अपने कमरे में आकर बैठ गए। अचानक अजय ने कहा, विजय विजय विजय, चलो अम्मा को बिना बताए ही हम मेले भाग चलते हैं। चुपके चुपके विजय ने रसोई की खिड़की में से झांक कर देखा, अम्मा गर्मा गर्म खाना पका रही थी। भैया भैया, अम्मा तो सब्जी बनाने में लगी है, अच्छा मौका है, चलो निकल चले। अजय ने विजय का हाथ पकड़ा और दोनों भाई घर से खिसक गए। वो दोनों अब मेले जा पहुंचे। बहुत सारे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने मेले की ओर जा रहे थे। अजय और विजय भी उनके साथ थोड़ी ही देर में मेले पहुंच गए। भैया भैया, देखो कितना बड़ा हाथी, विजय बोला। उसकी पीठ पर कितने सारे बच्चे बैठे हैं, चलो हम भी बैठे। दोनों हाथी वाले से बोले, हाथी वाले, हम भी हाथी पर बैठेंगे। हाथी वाले ने दूसरे बच्चों के साथ
अजय और विजय को भी हाथी पर चढ़ा दिया। हाथी पर बैठकर दोनों ने सारे मेले का चक्कर लगाया। दोनों को बहुत मजा आ रहा था। हाथी झूम-झूम कर चल रहा था और वो दोनों हाथी की पीठ पर बैठे हुए थे। तभी कहीं से आवाज आई, डुग 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 डुग। विजय ने अजय से पूछा, अजय भैया ये किसकी आवाज है? ये तो बंदर वाला है, चलो बंदर बंदरिया का नाच देखें। पीले रंग की टोपी पहने, हाथ में छड़ी लिए बंदर अकड़-अकड़ कर चल रहा था। बंदरिया पीले रंग की चुन्नी ओढ़े ठुमक-ठुमक कर बंदर के पीछे चल रही थी। जब बंदर और बंदरिया का खेल खत्म हुआ तो बंदर ने सब बच्चों से हाथ मिलाया। सब बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। विजय बोला, भैया बड़ी भूख लगी है, देखो सामने की दुकानों में चाट पकौड़ी जलेबी सभी कुछ मिल रहा है। तो दोनों खाने की दुकानों की तरफ गए और खूब पेट भरकर चाट पकौड़ी और जलेबी खाई। अभी तो मेले में बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन अब तो अंधेरा होने लगा था। दोनों को अकेले डर लगने लगा। अजय और विजय ने इधर-उधर देखा। दूसरे बच्चे अपने अम्मा और पिताजी के साथ घूम रहे थे। कुछ बच्चों को तो उनके पिताजी अपने कंधे पर बिठाकर मेला घुमा रहे थे। अब दोनों को अम्मा की याद आई। अजय बोला, विजय विजय हमसे गलती हो गई, अम्मा को बताए बिना नहीं आना चाहिए था, अम्मा परेशान हो रही होगी। दोनों ने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी उनको दूर से अम्मा आती हुई दिखाई दी। दोनों अम्मा की ओर दौड़े। अम्मा से लिपट कर दोनों जोर जोर से रोने लगे। इससे पहले कि अम्मा उनको डांटती, दोनों एक साथ बोले, अम्मा अम्मा अब हम बिना बताए मेले में कभी नहीं जाएंगे। हम मेले में बिल्कुल अकेले थे, हमें मेले में अकेले बिल्कुल भी मजा नहीं आया। फिर अम्मा उन दोनों को घर ले गई और उनके लिए जो खाना पकाया था वो उनको खिलाया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का कार्यक्रम तुम्हें? और अब दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अब सब कहो जय हिंद। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।